हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फार्मेसी सेशन में। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे जब भी मैं उनको अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्वायर साइन ऑन जुपिटर माउंट, यानी कि जुपिटर माउंट गुरु के माउंट पे अगर स्क्वायर का साइन आएगा, चिन्ह आएगा, तो क्या फायदा होगा इंसान को, उससे क्या लाभ मिलेगा, उसकी लाइफ कैसे चेंज होगी, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं गुरु माउंट के बारे में आपको बताता हूँ। जो इंडेक्स फिंगर होती है वो गुरु की फिंगर होती है और इंडेक्स फिंगर के नीचे जो एरिया होता है वो गुरु का माउंट होता है, यानी कि जुपिटर माउंट पे अगर स्क्वायर का साइन आएगा तो बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है, बहुत ही लक्की साइन होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके हाथ में इस टाइप का साइन आता है, लेकिन जिनके हाथ में अच्छे सा क्लियर साइन आएगा बहुत लक्की होंगे। पहली बात आपको ये और बता दूं कि ये साइन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब कि बिल्कुल एकदम अलग सा साइन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लाइन से बन रहे हैं और जैसे कोई लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकल रही है या कोई माइंड लाइन से कोई लाइन निकल रही है और उससे स्क्वायर बन रहा है। अगर वो स्क्वायर बनता है तो उसको भी स्क्वायर मानते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कम रहेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट अगर स्क्वायर का साइन आ रहा है गुरु के माउंट पे तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। कोई भी चीज इंडिपेंडेंट अगर हाथ में प्रेजेंट है उसका प्रभाव हमेशा ज्यादा रहेगा, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। और अगर लाइन से बन के अगर बनता है, मतलब कुछ लाइनों से अगर बनता है, सपोर्टिंग लाइन से बनता है, तो उसके प्रभाव में कमी आएगी। तो जैसे मैंने आपको मार्क किया, ये बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट स्क्वायर का साइन मैंने मार्क किया गुरु के माउंट पे, ये साइन आएगा तो बहुत ही लाभकारी रहेगा, फुल रिजल्ट मिलेगा इंसान को। पहली बात गुरु के बारे में थोड़ा आपको बताऊं, गुरु किस चीज का होता है। गुरु होता है नॉलेज का, विजडम का, लीडरशिप स्किल्स का, धार्मिकता का, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। गुरु जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। अगर गुरु किसी भी हाथ में अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो गुरु के बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिलाने में सहायक होता है। गुरु का बहुत अहम योगदान होता है। गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी होता है अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर गुरु स्ट्रांग नहीं होगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत तकलीफ आएगी। बेशक वो सब चीजें मिल रही हों, वो सब जो क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हो, वो सब मीट आउट हो रहे हो, लेकिन गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि गुरु के इंसान की पर्सनैलिटी बनाता है, नेम फेम ग्लोरी देता है। तो अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी नहीं होगी, नेम फेम ग्लोरी को नहीं मिलेगी, तो कैसे गवर्नमेंट जॉब लगेगी। गवर्नमेंट जॉब लगती है इंसान की, तो इंसान का गुरु स्ट्रांग होगा तो उसे नेम फेम ग्लोरी मिलेगी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी निकल के आएगी, वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो गुरु का स्ट्रांग होना निहायत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुरु जो होता है वो, जैसे अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गुरु होता है टीचिंग सेगमेंट का, बैंकिंग सेगमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट का, फाइनेंस सेगमेंट का, कंसल्टेशन का, एस्ट्रोलॉजी फार्मेसी का, ठीक है, कोई पॉलिटिशियंस जैसे होते हैं, पॉलिटिशियंस का भी गुरु स्ट्रांग होता है। कोई लाइफिंग का काम करें, हम पॉलिटिक्स में जाएं, समाज सेवा करें, सोशल सर्विस करें, इन सब में गुरु का अहम योगदान होता है। ये सब गुरु अगर स्ट्रांग होगा तो इंसान इन सब क्षेत्रों में जाएगा ही जाएगा, गुरु अगर स्ट्रांग होगा तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि गुरु गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, गुरु इन सब क्षेत्रों का मालिक होता है। स्क्वायर का साइन आने से क्या फर्क होगा। जब स्क्वायर का साइन गुरु के माउंट पे आएगा तो गुरु और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। गुरु की जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो और भी बढ़ जाएंगी, यानी कि गुरु का प्रभाव बढ़ेगा इंसान की जिंदगी पे। और स्क्वायर का साइन का मतलब ये सबसे विशेष मतलब ये होता है कि इंसान की जो जॉब होगी उसे गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत लाभ मिलेगा। तो एक्चुअली ये हम कह सकते हैं कि स्क्वायर का साइन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने में उसे बहुत सहायता मिलेगी, इसलिए गवर्नमेंट जॉब लगेगी 100%। और इंसान का जो बॉस होगा, जो भी होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो भी बहुत सहायक होगा, यानी कि बॉस की सहायता भी मिलेगी, बॉस भी अच्छा मिलेगा और हमेशा जो है जॉब करेंगे तो उसमें सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने का बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो गुरु एक्चुअली क्या है, तो ये जो स्क्वायर का साइन होता है ना, ये बहुत शुभता का प्रतीक होता है, अच्छी एनर्जी देता है। और जो स्क्वायर के साइन का ये भी मतलब होता है कि प्रोटेक्शन देता है। तो जब गुरु के माउंट पे जब स्क्वायर का साइन आएगा तो प्रोटेक्शन देगा फॉर द जॉब, यानी कोई जॉब लगेगी तो प्रोटेक्शन की जो जॉब आज के जमाने में जो है वो गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गई इंसान की तो उसे जॉब कंटिन्यू रहती है और उसमें प्रोटेक्शन हमेशा बना रहता है, सुरक्षा बनी रहती है। प्राइवेट जॉब होती है तो उसमें क्या सुरक्षा कम बनी रहती है। फिर भी क्या कि अगर स्क्वायर का साइन आएगा इंसान की गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो उसकी प्रोटेक्शन मिलेगा, जॉब को उसकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई बंदा अगर सपोज के लिए कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है और स्क्वायर का साइन आ रहा है तो भी उसको फायदा मिलेगा, उसको बॉस अच्छे मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये फायदा होता है स्क्वायर के साइन का गुरु के माउंट पे आने का। अगर आप कुछ गुरु की रेमेडी करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको और फायदा मिले। आप ये कर सकते हैं कि हर गुरुवार के दिन आप पीले कपड़े पहने, आप पीली गाय को चने की दाल, पीले चने की दाल और गुड़ आप दीजिए ताकि आपका गुरु स्ट्रांग हो आपका। आप हल्दी के पानी से नहा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, हल्दी की माला पे आप गुरु का मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ये रेमेडी आप करेंगे गुरु आपका स्ट्रांग होगा, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, फिर मैं दोबारा आता हूँ, प्रस्तुत होता हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।